हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। इससे पहले 4 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया गया है, तो जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। आपको बता दें कि 01, 20, 22 बैचेस के रिगार्डिंग जो हमने प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए थे, यानी आपके जो अग्नि बैचेज है उसके रिगार्डिंग आपके जो प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, जिसमें कि आपको साइंस के 42 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं और सभी प्रैक्टिस सेट्स में 10 क्वेश्चन है, तो टोटल आपके 420 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट्स को आपको देखना काम है। और आपको बता दें कि इससे प्रीवियस जो आपके बैचेस थे, यानी आपका 02, 20, 21, ठीक है, ये आपका क्या था, ये 01, 20, 22 था। और ये हम बात करें 02, 20, 21 बैचेस के रिगार्डिंग, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी के अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स को दिए गए थे, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर किया गया था। तो उन प्रैक्टिस सेट्स को देखना आपका काम है, क्योंकि उन सभी से क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में और इस बार भी आने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो सारे प्रैक्टिस सेट्स को देखना आपका काम है, तो जाकर आप एक एक प्रैक्टिस सेट्स को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर बढ़ते हैं। और आपको बता दें कि इन सभी प्रैक्टिस सेट्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए होंगे, और अभी जो आपके चल रहे हैं 02, 20, 22 बैचेस, इनके पीडीएफ आपको चाहिए होंगे, प्रैक्टिस सेट्स के कुछ पीडीएफ चाहिए होंगे, तो आपके लिए हमने 89 रुपीज़ का बैचेस प्लान किया है। तो आप इस बैचेस को जरूर लीजिएगा। कैसे लेना है, क्या करना है, उसके रिगार्डिंग आप चैनल पर जाइए, चैनल के स्टार्टिंग में ही आपको एक वीडियो दिख जाएगा, आप उस वीडियो पर क्लिक करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा जा रहा है कि सबमर्ज ऑब्जेक्ट कैन बी लोकेटेड यूजिंग, कहा जा रहा है कि जो जलमग्न यानी किसी में सबमर्ज रहता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उन वस्तुओं का लोकेशन यानी उन वस्तुओं के बारे में हम किस चीज़ से जानते हैं। तो उन वस्तुओं के बारे में हम सोनार टेक्निक से जानते हैं। सोनार टेक्निक में क्या होता है कि किसी भी वस्तु जो कि आपके जल में है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो सबमरीन जो होता है वो जब चलता है अंदर, जब पानी के अंदर, जो समुद्र के अंदर जब सबमरीन चलता है, तो समुद्र के नीचे भी क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो उन सभी बड़े बड़े पत्थर को महसूस करने के लिए, सभी बड़े बड़े पत्थर को पता करने के लिए कि हाँ ये पत्थर कहाँ पे है, कितने गहराई पे है, ये सभी चीज़ को पता करने के लिए सोनार टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है, उस साउंड टेक्निक का यूज किया जाता है। उससे क्या होता है, कुछ साउंड भेजा जाता है और वो साउंड टकरा के आता है, उससे क्या होता है, डिस्टेंस मापा जाता है, ताकि हमें पता चल जाता है कि यहाँ कितना दूरी पे पत्थर या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो टेक्निक कैसे क्या किया जाता है, पूरा डिटेल नहीं, आपको छोटा सा हम इन्फॉर्मेशन दिए हैं। इस तरीके से सोनार टेक्निक से हम जानते हैं कि हमारा जो सबमर्ज अंदर वाटर सर्फेस के अंदर कौन सा बड़ी है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये इस सोनार टेक्निक से हम क्या करते हैं, किसी भी सबमर्ज ऑब्जेक्ट को हम जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर 2 यानी सोनार, ठीक है। चलिए, ये सोनार कौन सा है आपका, जो कान में का नाक में का है वो वाला सोनार नहीं है, ठीक है। ये सोनार जो है वो हमने आपको बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 2 क्वेश्चन, लिखा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्टडी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं किसके लिए, आपके प्रकाश के फैलाव का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो हम स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं, किसका, स्पेक्ट्रोमीटर का। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यानी स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट है आपका नंबर थर्ड क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि अ फाउंटेन पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, फाउंटेन पेन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, फाउंटेन पेन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फाउंटेन पेन में क्या होता है आपका, कैपिलरी एक्शन देखने के लिए मिलता है। फाउंटेन पेन में क्या होता है आपका, कैपिलरी एक्शन देखने के लिए मिलता है, तो वो आपके कैपिलरी एक्शन पे वर्क करता है, ठीक है। कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, कैपिलरी एक्शन में आपने पढ़ा होगा कि एक पतला सा ट्यूब होता है, जिसमें कि क्या होता है, हमारा वाटर सरफेस क्या होता है, राइज होता है या तो क्या होता है, फॉल होता है, क्या होता है, राइज होता है या तो क्या होता है, हमारा वाटर सरफेस का फॉलिंग होता है, ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन में जैसे इस प्रकार का ट्यूब होता है, जिसमें कि वाटर सरफेस क्या होता है, या तो राइज होता है या तो आपका फॉल होता है, ठीक है। तो यहां से आपका इसी प्रिंसिपल पे हमारा क्या होता है, फाउंटेन पेन जो होता है वो आपका वर्क करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, कोशिका क्रिया, क्या है, कोशिका क्रिया, यानी कैपिलरी मतलब कोशिका कहा जाता है, एक्शन मतलब क्रिया, यानी कोशिका क्रिया पे वर्क करता है, ठीक है। बहुत सारे को बर्नौलीज थ्योरम लगता है, तो बर्नौलीज थ्योरम आप इसका आंसर नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। बर्नौलीज थ्योरम हमारा कुछ दूसरा होता है, बर्नौलीज थ्योरम एक प्रकार का एनर्जी कंजर्वेशन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है कैपिलरी एक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर फोर्थ क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि पिकनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, ठीक है। पिकनोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम क्या मेजर करते हैं, ठीक है। तो पिकनोमीटर से हम क्या करते हैं, पिकनोमीटर से हम डेंसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, डेंसिटी को मेजर करते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 यानी आपका घनत्व को मापते हैं। नेक्स्ट आपका है नंबर फिफ्थ क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि फाइबर ऑप्टिक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए जैसे आपके ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर यानी आप देखते हैं वाईफाई का जो यूज करते हैं, वाईफाई का जो नेट का यूज करते हैं आपके, तो वो सभी क्या होता है, सारे आपके समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए गए हुए हैं, ठीक है। सारे आपके समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए गए हुए हैं, जिससे कि हम नेट को जो यूज करते हैं उसी ऑप्टिकल फाइबर के कारण हम यूज करते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है,
बहुत ही पतला आपका कह सकते हैं कि फाइबर टाइप का होता है, यानी उस बहुत ही पतला नैरो पाइप टाइप का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका जो हमारा जो लाइट होता है, हमारा जो वेव होता है, वो क्या होता है एक ऐसे से टकराते हुए क्या होता है हमारा ट्रैवल करता है। तो आप सोच सकते हैं इसी वेव के ट्रैवल होने के कारण क्या होता है हमारा, हमें इंटरनेट हम अच्छे से यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल होता है, यानी जिस प्रिंसिपल पर हमारा ये वेव अंदर टकराते हैं, फिर आता है, फिर टकराता है, फिर टकराता है, इस तरह अंदर से कैसा होता है, ये अपने अंदर से इसी तरह से आपका टकराता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल होता है, इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कुल आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे क्या होता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर आपका वर्क करता है, ठीक है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये आपका फ्लेक्सिबल होता है, और कहते हैं ट्रांसपेरेंट फाइबर होता है, यानी आपका पारदर्शी फाइबर होता है, और क्या होता है आपका सिलिका का बना रहता है या फिर प्लास्टिक का, यानी कहने मतलब सिलिका मतलब ग्लास का या फिर प्लास्टिक का आपका यह बना होता है, ठीक है। और ये इतना थिक होता है कि आपके ह्यूमन के जो बाल होते हैं, यानी मनुष्य का जो बाल होता है, उससे भी ज़्यादा यह पतला होता है, उससे भी ज़्यादा क्या होता है पतला होता है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा नंबर है आपका 6 क्वेश्चन। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि अ डेसीबेल, क्या लिखा जा रहा है, अ डेसीबेल इज क्या है, ए डेसीबेल क्या है। तो एक डेसीबेल जो है आपका उस साउंड के लेवल को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी ध्वनि स्तर का एक उपाय होता है, ठीक है। जैसे कि हम साउंड के लेवल को मापते हैं, डेसीबेल को हम स्मॉल डीबी से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल डीबी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 है हमारा, इसमें लिखा जा रहा है कि रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैज एन इनबिल्ट सोर्स ऑफ, रिमोट सेंसिंग डिवाइस होता है, यानी जिससे हम रिमोट का यूज करते हैं, उस वो जो डिवाइस होते हैं रिमोट सेंसिंग डिवाइस, जिससे कि बहुत सारे मिलिट्री लोग या फिर सिविलियन लोग बहुत सारे अलग अलग पर्पज़ पे यूज करते हैं, टीवी में रिमोट के लिए या फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए रिमोट के लिए हम यूज करते हैं। तो ये जो हमारा होता है इसमें हम किस वेव का उपयोग करते हैं, यानी किस रे का उपयोग करते हैं, इसमें कौन सा रे आपका होता है। तो रिमोट सेंसिंग डिवाइस में आपका कौन सा रे होता है, तो इसमें इंफ्रारेड होता है, यानी अवरक्त किरण, क्या है, अवरक्त किरण इसमें प्रेजेंट होता है, इंफ्रारेड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4th इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 क्वेश्चन में क्या है कि द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मेनली बाय, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर होते हैं वो किससे आपके हीट होते हैं। तो एटमॉस्फेयर जो होता है वो आपके रेडिएशन से हीट होता है, ठीक है। हमने आपको इसे प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि सन से जो हमें गर्मी आती है, यानी उष्मा जो मिलती है वो किस कारण से मिलती है, तो वो हमें रेडिएशन के कारण ही मिलती है, यानी विकिरण के कारण ही मिलती है, ठीक है। सन, आपको पता होगा कि विकिरण ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई हमें एटमॉस्फेयर या फिर कह सकते हैं कोई हमें मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, यानी कहना मतलब कोई भी हमें साधन का जरूरत नहीं पड़ता है उसके ट्रैवलिंग के लिए, यानी उसके संचालन के लिए, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है हमारा जो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो हीटेड भी होता है, तो वो मेनली ड्यू टू किसके कारण से होता है, रेडिएशन के कारण ही होता है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नंबर 9 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि अ डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड, एक डिवाइस जिससे कि हम क्या करते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो उस डिवाइस को हम रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। तो आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर 10 क्वेश्चन। नंबर 10 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि एनर्जी ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज इज ग्रेटर देन, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होते हैं उसके एनर्जी जो होते हैं वो किससे बड़ा होता है, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होते हैं आपके, उसका एनर्जी जो होता है वो आपके इंफ्रारेड से बड़ा होता है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देखिए बहुत सारे टाइप के आपके रेज होते हैं, अल्ट्रा वायलेट, गामा रेज, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, फिर से आप और क्या होते हैं आपके रेडियो वेव्स, आपके और भी माइक्रोवेव्स, मतलब बहुत सारे अलग प्रकार के रेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल जो पूछा जा रहा है आप उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे सिंपल पूछा जा रहा था कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं उनके एनर्जी जो होते हैं वो उनमें से किससे ज़्यादा होता है, तो इंफ्रारेड से ज़्यादा होता है, ठीक है। हम आपको यहाँ पे कुछ लिखवा देते हैं, वो लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्या है कि एनर्जी, ठीक है, एनर्जी लिखिएगा आप। देखिए आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से जब उसको क्या किया जाता है, उसको स्प्लिट किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, अलग अलग प्रकार के रेज, या फिर कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के लाइट हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें कि गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, विजुअल, आपका इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इन सभी का क्या होता है उसमें से अलग अलग निकलता है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर लिखवा रहे हैं कि एनर्जी जो होगा आपका हायर से लेकर आपका लोअर तक, यानी आपका हायर टू क्या होगा आपका लोअर, ठीक है, हायर टू लोअर एनर्जी को यहाँ पे लिख लीजिएगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा होगा और कौन सा सबसे कम होगा। तो सबसे जो आपका ज़्यादा होता है वो क्या होता है आपका गामा होता है, ठीक है, जी ए डबल ए में, ठीक है, गामा, गामा आप रेज लिख लीजिएगा अपना, फिर दूसरा क्या है आपका एक्स रे, फिर क्या लिखेगा, फिर लिखेगा आपका अल्ट्रा वायलेट यू वी लिख लेते हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट, फिर क्या लिखते हैं हम, फिर लिखते हैं हम विजुअल, विजुअल, ठीक है, विजुअल लाइट, और क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे इंफ्रारेड, आई एन एफ आर ए आर ई डी,
इंफ्रारेड रेज या फिर लाइट भी लिख सकते थे, ठीक है। और फिर लिखेंगे माइक्रोवेव, फिर लिखेंगे माइक्रो MICROWAVES माइक्रोवेव्स, एंड लास्ट लिखेंगे वो रेडियो वेव्स, ठीक है। यानी आप यहाँ से देखिए, अब हमारा क्वेश्चन था कि अल्ट्रावायलेट रेज होता है इनमें से किसका ज़्यादा होता है, तो सॉरी एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इज ग्रेटर देन, अल्ट्रावायलेट रेज का जो एनर्जी होगा वो किससे ज़्यादा होगा, तो आप देख सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज हमारा कहाँ है, अल्ट्रावायलेट रेज हमारा यहाँ पे, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट क्या है, यहाँ पे है हमारा, और इससे पहले गामा रेज एक्सरे है, ठीक है। गामा रेज एक्सरे है, कॉस्मिक है, ये सभी क्या होते हैं आपके, इसके क्या होते हैं पहले आता है, यानी कहने का मतलब हमारा ये सबसे, ये क्या होगा हमारा ज़्यादा होगा। और हमें अल्ट्रावायलेट के बारे में पूछा था, अल्ट्रावायलेट यह है ना अल्ट्रावायलेट, तो आपसे पूछा था कि अल्ट्रावायलेट रेज इज ग्रेटर देन, वो किससे बड़ा होगा, ठीक है। तो अब स्वाभाविक बात है कि इन्फ्रारेड से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि हमारा एनर्जी जो हो रहा है वो इधर से इधर घट रहा है, यानी सबसे आगे ज़्यादा है फिर आगे क्या हो रहा है हमारा कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इनमें से किसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर वन, यानी इन्फ्रारेड से क्या होगा हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इन्फ्रारेड देख सकते हैं ना बाद में है, ठीक है, बाद में है, और बाद बाकी सब क्या है हमारा पहले है, तो इसका आंसर होता है वन। तो इस तरीके से क्या करते हैं आप इसको याद करके रख सकते हैं, ठीक है, और ये याद रहेगा आपको, तो इस पे बेस्ट जितना भी क्वेश्चन बनेगा आप उसको बना पाइएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा गया है, तो इसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ राइटिंग गड़बड़ा गया कि मार्कर काम नहीं कर रहा था इस कारण से, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपको बता दें कि डाउट होने से पहले एक बार आप गूगल जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये साइंस के क्वेश्चन आपको गूगल पर भी आसानी से मिल जाएंगे, तो एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम लगेगा देन फिर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।